हाँ जी बच्चों, तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि लास्ट क्लास में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इस चैप्टर का पर्पस क्या, उस पर्पस को समझा था, एग्जांपल समझा था। उस एग्जांपल में आपके न्यूमेरिकल्स जो फार्मूला है वो फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया था लास्ट क्लास में, परसेंटेज मेथड और फार्मूले को कैसे एक्सप्लेन करना वो चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई थी। तो इंट्रोडक्शन बहुत कुछ हो गया था। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फर्स्ट क्लास जाके देखेंगे तो फर्स्ट क्लासेस में आपको वो सारी क्लासेस जो लास्ट क्लास में हुआ था सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वैसे आज की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कोई खास कनेक्टिविटी इसकी लास्ट क्लासेस से नहीं है, तो आज की क्लासेस भी आपको प्रॉपर समझ में आएगी। तो बच्चे है एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके माइंड में होगा सर ये क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल शुरू से। क्वेश्चन है डिग्री ऑफ, क्वेश्चन हमारा है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बच्चे आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको एक इजी वर्ड में अगर आपको समझना है, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। आपको समझ में आया क्वेश्चन, से मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में इसको बताया। बच्चे डिमांड जो है उसकी अपनी, हर कम्युनिटी की डिमांड की अपनी एक अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है फ्लेक्सिबिलिटी का मींस, तो आप मतलब तो जानते ही कि फ्लेक्सिबल मींस क्या होता है, बट डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है। तो आप इस चीज़ को भी समझिए कि कोई भी कम्युनिटी है कोई गुड्स है, लाइक एक्स कंसिडर कर लीजिए, उसका अपना एक प्राइस होता है और उसका अपना एक डिमांड होता है, ठीक है बच्चे। और आप इस बात को भी समझिए कि प्राइस में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में उसका इन्वर्स चेंज आएगा। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। तो पहले प्राइस में चेंज आता है, फिर उसके रिस्पेक्ट में डिमांड रिएक्ट करता है, उसका इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड में। जिस डायरेक्शन में प्राइस हुआ है मूव, डिमांड उसका अपोजिट मूव होता है, क्लियर है। बट कई बार आप देखेंगे ना तो डिमांड कई बार ऐसा होता है कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, एकदम से इंक्रीज हो गया और एकदम से ही डिमांड कम हो गया, क्लियर है। डिमांड में जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे कम्युनिटी होते हैं और कुछ कम्युनिटी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे बच्चे कि डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बस ज़्यादा चेंज नहीं आता है, थोड़ा बढ़ता है या थोड़ा घट। प्राइस में चेंज आएगा ना, पर डिमांड तो जब भी चेंज होगा जब प्राइस में चेंज आएगा, यहाँ पे मैं अदर फैक्टर का कोई रोल नहीं है। तो कई बार होता है कि प्राइस में चेंज आया, डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो प्राइस हल्का सा बढ़ा तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया, देख रहे हो। कई एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइस इतना बढ़ा तो ये लो डिमांड, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो देखो डिमांड। एक ऐसी कम्युनिटी है, मींस प्राइस में जितना चेंज आ रहा है ना, डिमांड में काफ़ी उसके रिस्पेक्ट में प्राइस से ज़्यादा चेंज डिमांड रिएक्ट कर रहा है। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ कम्युनिटीज ऐसे भी होते हैं बच्चे, लाइक वाई कम्युनिटी है, प्राइस में चेंज आया बट डिमांड में बस थोड़ा चेंज आया, प्राइस में चेंज आया डिमांड में बस थोड़ा चेंज आया। तो देख रहे हैं डिमांड में जो चेंज के भी अपने डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स होते हैं। कई बार डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज आता है किसी कम्युनिटी का, तो किसी कम्युनिटी का डिमांड में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो चेंजेस होता है ना डिमांड में, इसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड, या फिर इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके भी टाइप्स हैं अपने, कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कुछ कम फ्लेक्सिबल हैं। कुछ तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि भैया प्राइस में चेंज आया, डिमांड जाओ भाई मैं नहीं होता चेंज, ठीक है। प्राइस कम हुआ, डिमांड
कहना नहीं होगा चेंज, समझ में आया आपको? डिमांड कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो ये अलग अलग डिमांड में चेंज होने के फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो डिमांड के जो प्राइस के रिस्पेक्ट में जो इलास्टिसिटी आता है डिमांड में, उसकी कितने डिग्री हैं या कितने उसके टाइप्स हैं। अब आपके मन में होगा सर कितने टाइप्स हैं और उसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए आपको वन बाय वन करके मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ में, डायग्राम के साथ में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चे सबसे पहले आप देखेंगे कि बेसिकली मैं दो वर्ड का यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना, एक इलास्टिसिटी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, या फिर आप कह दो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मैं दो वर्ड का यूज करने जा रहा हूं, एक तो ये है बच्चे हमारे लिए, एक वर्ड यूज करूंगा इलास्टिक, और एक वर्ड मैं यूज करूंगा इनइलास्टिक, ठीक है बच्चे? इलास्टिक वर्ड यूज होगा, एक इसके लिए वर्ड यूज होगा इनइलास्टिक, दो मेजर वर्ड्स हैं। इलास्टिक मींस क्या है, लाइक आप मान के चलो कि किसी रबड़ बैंड को आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना वो, तो उसको इलास्टिक नेचर कहते हैं। लाइक अगर आप अपने स्केल में भी अगर आप फोर्स करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी तो उसमें भी आएगी स्केल में, बट उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, कम आएगी, मतलब जो आपके एफर्ट्स लग रहे हैं उससे कम ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक बोलते हैं। तो इनइलास्टिक मीन्स क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और इलास्टिसिटी मीन्स इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो इनइलास्टिक को ना हम ये भी कह सकते हैं, इसको यही बोल सकते हैं हम, लेस इलास्टिक, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसको हम लेस इलास्टिक वर्ड भी यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर ठीक है, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उसको इलास्टिक बोल देंगे, जो कम फ्लेक्सिबल है उसको इलास्टिक बोल देंगे, लेकिन इसको मेज़र करने का तरीका क्या है, जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है ये ज़्यादा या कम है, पता कैसे लगेगा भैया? भाई जो डिमांड में चेंज आया है कब पता लगेगा, ये जो ये चेंज है इसको ज़्यादा कहते हैं, इस चेंज को कम चेंज कहते हैं। तो बच्चे इसको प्राइस में चेंज से कंपेयर करके पता लगता है। अगर आपको, आप देखो दो चीज़ों को देखो इलास्टिक में, पहले तो चेंज किस में आएगा, प्राइस में ना, तो परसेंटेज, पहले डिमांड में चेंज की बात करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज, या फिर इसको बोल दो इज लेस देन, इज लेन देन लेस देन परसेंटेज चेंज इन, इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी इलास्टिक को बता रहा हूँ ना मैं, इस मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मतलब आया बच्चे समझ में? भाई प्राइस के अंदर जितना चेंज आया है, प्राइस में जितने भी परसेंट का चेंज आया है, डिमांड में उसमें भी चेंज आएगा, बट डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया है वो प्राइस के परसेंटेज चेंज से कंपेयर करके तो ज़्यादा आ रहा है, तो सिचुएशन में बोलोगे मोर फ्लेक्सिबल है या फिर इलास्टिक है। क्लियर है बच्चे? कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे क्लैरिटी रहेगी। लाइक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10%, क्वांटिटी बढ़ी, और फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लाइक आपका 5% प्राइस जब कम हुआ था, तो देखो जो प्राइस में जितने परसेंट का चेंज आ रहा है, डिमांड में उससे ज़्यादा परसेंटेज का चेंज दिख रहा हो, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या डिमांड है इलास्टिक नेचर का। ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिक
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिक ऑफ डिमांड, क्लियर है बच्चे, समझ में आया? और आपको कैसे पता लगेगा कि भैया यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम है? तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कब, जब आप इसके बारे में लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना चेंज आया है बच्चे, बट डिमांड में उससे कम परसेंटेज चेंज आया है, उसको बोलेंगे कि भैया डिमांड ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, इसको लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर सिचुएशन में आप इसको बोलेंगे, ये क्या हो गया, इन इलास्टिक का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 10% प्राइस बढ़ा एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन 10, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक 8% प्राइस से कम होगा। इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि क्या है, लेस इलास्टिक है। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? अब आपको इलास्टिक की डेफिनेशन भी क्लियर है, बेसिकली इलास्टिक की डेफिनेशन क्लियर है, और आप बता सकते हो देख करके कि भैया यह इलास्टिक है या इनलास्टिक है। बट आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उनको देख कर बता सकते हो कि भैया इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, क्लियर है? तो अब मैं कुछ टर्म यूज़ करूँगा लाइक इलास्टिक, इन इलास्टिक डेफिनेशन में, तो आप थोड़े फेमिलियर हो चुके हो, आप उसको पिक कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चंस को, डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। देर आर 5 डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। 5 प्रकार के होते हैं डिग्रीज, जिसमें पहले वाले को क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट किसी को भी आप कंसीडर कर लो, बट एक पहला बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब आप समझ चुके हैं बच्चे कि डिमांड में चेंज कम आता है, और ये कह रहा है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब समझते हैं पूरी तरीके से कंप्लीटली, तो प्राइस में चेंज बेसिकली डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं इस सिचुएशन में, होता ना इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक मीन्स के लाइक स्केल चेंज आएगा कम आएगा, पर परफेक्ट इन इलास्टिक है लाइक आप एक लोहे के रॉड को करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। देख मैं इस पैन के साथ में एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ये तो हो गया भैया, कोई चेंज ही नहीं आएगा इसमें, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, एफर्ट लगाने को मैं लगा दिया, लो चेंज ही नहीं आया, ये हुआ ही नहीं, तो इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक। जहाँ प्राइस में चेंज आया, देखा डिमांड को, मेरे इसमें कोई चेंज ही नहीं आया यार, प्राइस बढ़ गया तो भी लोगों ने इसकी डिमांड कम नहीं की, और प्राइस कम हो गया, हैरानी की बात है, तब भी लोग इसको ज़्यादा नहीं ले रहे। आपको कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ है, प्राइस सस्ता होता तो लोग तो टूटेंगे भाई, प्राइस कितना भी कम कर लो तब भी लोग नहीं लेंगे। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, एग्जांपल लेता हूँ लाइक मेडिसिन, चलो प्राइस बढ़ गया तो क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी इसकी डिमांड है, क्या वो हो जाएगी लेस, क्योंकि भैया महंगा हो गया? नहीं होगी, आपको नीड आप कहीं से भी अरेंज करेंगे, प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं है आपकी डिमांड पे, प्राइस बढ़ गया तब भी आप उसकी डिमांड कर भी करोगे, क्लियर है बच्चे? और प्राइस कम हो गया तो ऐसा नहीं है प्राइस सस्ता हो गया तो आप लोग कब सिर्फ जेब में ले घूमोगे, बात बात पे लेके पी लोगे, चलो ये सस्ता है तो पी लेते हैं, हैं पैरासीटामोल खा लिया, ठीक है अननेसेसरी। तो प्राइस कम होने पर भी आप इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं करोगे। और एक एग्जांपल ले सॉल्ट, जब सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या सब्जी में आप नमक की क्वांटिटी आप लेस कर दोगे?
हाँ बच्चे बताओ, क्या प्राइस बढ़ गया नमक का? तो अब हल्का नमक डालोगे सब्जी में? नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी डालोगे। प्राइस कम हो गया तो आप क्या ज़्यादा डाल दोगे? थैली पलट दोगे पूरे कुकर में डाल के? हैं, तो ज़्यादा है, सस्ता ही है, क्या हो गया? आधे किलो सब्ज़ी आधे किलो नमक डाल देते हैं, एक किलो क्वांटिटी प्रिपेयर हो जाएगी। नहीं तो मतलब कि प्राइस में चेंज का आपके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस टाइप की कम्युनिटी पे। तो यहाँ पर तो बच्चे आपको क्या देखने को मिल रहा है? देर आर नो चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब समझाएं बच्चे इसके आपको कि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया आपका प्राइस में चेंज आने के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो। डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया। अगर आपकी डिमांड पहले भी 100 थी, आज भी 100 है, तो क्या चेंज आया? जीरो। परसेंटेज निकालोगे तो भी जीरो। समझ में आया बच्चे आपके? क्लियर है? अब बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया कि आप एग्जांपल में आप ले सकते हैं सॉल्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब बात करते हैं जी ईडी। ईडी क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने, आपको याद है? ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या था? देर आर हाउ मेनी टाइम्स इन परसेंटेज चेंज, देर आर हाउ मेनी टाइम्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है लास्ट क्लास कि भैया जो एक परसेंटेज चेंज इन आपके डिमांड में आता है, फिर आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस में भी आता है। तो जो प्राइस में चेंज आया, परसेंटेज चेंज आया, उसका कितना टाइम्स डिमांड में आया? फॉर एग्जांपल लेता हूँ, लाइक प्राइस 10% राइज हो गई, डिमांड क्या हुआ 20% फॉल हो गया, तो प्राइस में डिमांड में कितना चेंज आया? 20%। प्राइस में कितना चेंज आया? तो प्राइस का कितने टाइम्स डिमांड में आ रहा है? 2 times। क्लियर है? तो ये 2 times को हम क्या बोलते हैं? ईडी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने 2 कैसे फाइंड करा? 20/10 एंड 20 क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्लियर है? और 10 क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही तो था ईडी। इसको क्या बोलते हैं? ईडी। देर आर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। समझ में आया आपको बच्चे? वो थोड़ा सा रिकैप दे दिया लास्ट क्लास में, अगर प्रेजेंट नहीं थे तो वो हो जाएगा, बट आपको वीडियो में अच्छे से मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल के साथ में इसको मैंने एक्सप्लेन करा है डेफिनेशन को। तो ईडी आपके पास में, तो इसकी ईडी में निकालूंगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज समथिंग। तो कभी भी आप डिवाइड करते हो जिसमें न्यूमिनेटर जीरो हो जाए तो रिजल्ट क्या बनता है आपका? डिवाइड के केस में जब आपका न्यूमिनेटर जीरो हो जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका? जीरो ही आता है। तो इसकी इसलिए वैल्यू जो है ना ईडी की क्या आएगी आपकी? बिकॉज ऑफ न्यूमिनेटर इज, न्यूमिनेटर क्या आपका? जीरो है ना? तो इसलिए इसकी ईडी की वैल्यू भी क्या है आपकी? जीरो। समझ में आया? तो ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। ये समझ में आया आपको बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट है ना? अब है कि सर इसका जो डिमांड है, डिमांड कर्व कैसा बनेगा? ऐसी कम्युनिटी जिसकी डिमांड में चेंज ही नहीं आता है, प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, उसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा? लेकिन बड़ा ईगोइस्ट है इसमें, ईगो है बहुत इसमें, है ना? एक सोच के देखो, ऐसे याद करने का तरीका है बस। लाइक कोई भी कुछ भी कह देता है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोग भी होते हैं। पेरेंट्स कितना ही बोल रहे हैं, सोसाइटी कितने भी लोग बाग कुछ थोड़ा सा समझा रहे हैं, टीचर समझा रहे हैं, वो अपने ही लगन में है, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ भाई। पॉजिटिव देखा जाए तो दूसरे एक एंगल से तो ठीक होता है कि कोई इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है तो, बट एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं जिसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़े किसी चीज़ का, फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे थोड़ा सा अकड़ में रहते हैं, है ना?
तो उसका डिमांड करके बात कर रहा हूँ, या ऐसा आपको आपको रिमाइंड रहे इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसका आपके टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है जो मैं अकड़ और ईगोइस्ट की बात कर रहा हूँ, बट आपको याद रहेगा कर्म कैसा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ का ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव वाला, ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहाँ पर मैं प्राइस को रिप्रेजेंट करूँगा और यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है बच्चे, किसको? जी आपके घर से फोन है शायद। हाँ जी देखो, ये क्या है प्राइस है और ये क्या है आपका क्वांटिटी। अब देखें इसका जो डिमांड कर बच्चे, ऐसा बनेगा बिल्कुल वर्टिकल, इसे वर्टिकल बोलते हैं ना जो बिल्कुल खड़ा रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये वर्टिकल बनेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बनेगा, क्या बात है इसमें ऐसा? ये बच्चे ऐसा इसलिए बनेगा डिमांड कर्व, क्योंकि आप इसकी प्राइस में चेंजेस करेंगे तो भी इसकी डिमांड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा वो भी देख ले। ये प्राइस है ना, प्राइस है ना बच्चे, इस प्राइस पे देखो डिमांड क्या है, दिस वन। प्राइस बढ़ा दूं मैं तो अब डिमांड क्या है, सेम। प्राइस कम कर दूं बच्चे तो अब डिमांड क्या है, सेम। इसका क्या मतलब है कि भैया प्राइस चाहे ओपी से बढ़कर ओपी वन हो जाए तब भी डिमांड उतनी ही करनी है इसने, प्राइस ओपी से घटकर ओपी टू हो जाए तब भी इसको डिमांड उतनी ही करनी है। प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं बहुत सारी बातें एक लिखवा रहा हूँ, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप इसके बारे में कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चे, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? आप इसको नोट कर लो, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक है, टाइटल का नाम है। इसमें फर्स्ट डिग्री है आपकी परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, बच्चे सेकंड जो डिग्री है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक या फिर आप इसको क्या बोल दीजिए, लेस इलास्टिक। मतलब ही समझ में आ गया आपको, इन इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आएगा तो लेस इलास्टिक है, मतलब डिमांड में चेंज तो आएगा बट प्राइस के कंपेटिवली कम चेंज आएगा। क्लियर है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्लियर है बच्चे?
तो इसलिए तो इसको इनलास्टिक कह रहे हैं कि जो प्राइस में जितना भी परसेंट का चेंज आया, डिमांड ने उससे कम रिएक्ट कर क्रिएट करा, बट कम रिएक्ट कराए, तो ये क्या हो गया, लेस इलास्टिक हो गया। अब एग्जांपल के लिए आप ऐसे कुछ गुड्स आप ले लें क्योंकि आपके माइंड में है, चलो ठीक है ये तो समझ में आ गया इनलास्टिक क्या है, भैया प्राइस में चेंज आया बट डिमांड में कम चेंज आ रहा है, इट मीन्स प्राइस जितना बढ़ेगा डिमांड उतना कम होगा बट उतना ज़्यादा कम नहीं होगा, उतने उससे कम कम होगा। लाइक प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड हुआ तो 2-1% कम हुआ, प्राइस 20% कम हुआ डिमांड बढ़ा भी ज़्यादा कोई नहीं बढ़ा, 2-4% बढ़ा, मतलब कि प्राइस में जितना परसेंट का चेंज आ रहा है डिमांड में उससे कम चेंज आ रहा है। तो आप इसकी किस टाइप की गुड्स होती है, वो गुड्स जो आपके लिए नेसेसरी हैं, लाइक वेजिटेबल फूड एंड ग्रेन्स। आप देखते हैं अगर वेजिटेबल के प्राइस डबल भी हो जाए, इवन 100% प्राइस राइज हो जाए, तो क्या आप इसके डिमांड को आप कितना सेक्रीफाइस करोगे, थोड़ा बहुत करोगे, है ना। ये नहीं कि आप प्राइस 50% राइज हो गए तो आप कहोगे नहीं अब इसको तो अपने जीवन से हटा ही देते हैं, यहाँ से सब्जी बंद, आप करोगे कम। अगर आप थोड़ा सा अगर इकोनॉमिकली वीक है अगर कोई, तो वो थोड़ा सा करेगा कॉम्प्रोमाइज़, पर वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल में क्या आ जाता है बच्चे, वेजिटेबल फूड एंड ग्रेन्स, अनाज वगैरह, इनके प्राइस पे जितना भी चेंज आएगा डिमांड में भी चेंज आएगा बट डिमांड में कम चेंज आएगा। लाइक प्याज वगैरह अगर आप देखते हैं प्राइस बढ़ जाता है एक टाइम पे, ऐसा आ जाता है टमाटर वगैरह की प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा, एक टाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी भी टमाटर शायद महंगा ही चल रहा है, अच्छा अब 80 हो गया, तो ये इतना ज़्यादा आपके जो है इम्पैक्ट आ रहा है, पर उसकी डिमांड को हम आज शायद हो सकता है कि सलाद में थोड़ा सा टमाटर कम कर दें, हल्का फुल्का चेंज कर दें, वेजिटेबल में हल्का फुल्का कम कर दें, बट ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्टॉप कर दिया हम लोगों ने। अब हो गया घर में आपने उसको इलास्टिसिटी बना दी। तो इनलास्टिक नेचर होता है जनरली इसका वेजिटेबल का, टमाटर तो फिर भी चलो इतने नेसेसरी में नहीं आ गया, लाइक आपका कोई और फूड एंड ग्रेन्स में एग्जांपल लिखा जाता है, इसलिए अनाज राइस एंड वीट ये चीज़ें होती तो इसमें इतना ज़्यादा आप चेंज नहीं कर पाते, है ना, कि लाइक हम 4 चपाती की जगह 1 चपाती पा जाते, उस केस में नहीं हो पाता। ठीक है, फूड एंड ग्रेन्स एग्जाम्पल के लिए। अब देखो बच्चे, इसका अगर मैं ईडी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, हाँ जी सामने देखो बच्चे, ऊपर क्या होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मेरी बात समझिए पहले, है ना, ऊपर क्या होता है परसेंटेज चेंज इन, जब ईडी निकालते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे क्या होता है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है। और आपको पता है कि यहाँ पे दो चीज़ें, ऊपर वाले को मैं कह देता हूँ ये न्यूमिनेटर में क्या है पता है आपको, और डिनोमिनेटर में क्या आपको पता है, आपने कभी भी डिवाइड किया हो और आपने देखा हो कि न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऑलवेज आंसर 0 point something आता है, न्यूमिनेटर लाइक 7/8, 7/10, 8/12, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो आंसर 0 point something आएगा, 0 point something मीन्स लेस देन 1। तो इस केस में आपकी जो ईडी की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, लेस देन 1। सो मैं आपको बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ है ना एकदम से तो नहीं रहेगा ये तो भैया, ये तो वो उसका उसके ये तो उसकी हालत है जो बिल्कुल एकदम खड़ा रहता है सर उठा करके बिल्कुल एटीट्यूड में, इसकी हालत है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो इतना भी एटीट्यूड नहीं दिखाएगा वो, थोड़ा सा जो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाए वो थोड़ा सा झुक हल्का सा झुके तो रहेगा ही रहेगा वो, है ना, थोड़ा झुकाव। क्लियर है बच्चे? तो उसका डायग्राम ऐसा बनता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बनता है, क्या बात है इसमें ऐसा, तो आइए देखते हैं। प्राइस है और यहाँ पर आपका क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो एक प्राइस लेवल ले लेते हैं हम,
और ये डिमांड का लेवल है। अब देखो बच्चे, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑब्जर्व करेंगे आप। देखो प्राइस कितना बढ़ाया आपके सामने और डिमांड को कम करा, तो क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया आपने, प्राइस ओपी से ओपी वन बनी, इतना प्राइस बढ़ाया मैंने, डिमांड कितना कम हुआ? बस इतना ही कम हुआ। तो देखो प्राइस में चेंज इतना है, डिमांड इतना है, तो चेंज तो ये हो गया। पहले प्राइस आपका ओपी था, अब प्राइस का लेवल क्या हो गया? ओपी वन। तो ये आपका जो गैप है, ये परसेंटेज, ये चेंज इन प्राइस हो गया, ठीक है। पहले डिमांड आपका ओक्यू था, अब डिमांड आपका ओक्यू वन हो गया। अब जो ये गैप आया, चेंज इन डिमांड हो गया। तो ज़्यादा चेंज किसमें नज़र आ रहा है, प्राइस में या डिमांड में? प्राइस में ज़्यादा आ रहा है। डिमांड में कंपेटिवली कंपेयर करो, प्राइस में डिमांड में उससे कंपेटिवली कम चेंज आ रहा है ना, लाइक प्राइस में इतना चेंज आया तो डिमांड में इतना चेंज आया, तो डिमांड में लेस है ना चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। इस चीज़ का डायग्राम ऐसा बनता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है देर आर लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये इसलिए इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। अब आप इसको नोट करें, सेकंड डिग्री को।